तो जब तक क्रॉप बर्निंग का समाधान नहीं निकाला जाएगा, जो हर साल इस एक महीने के अंदर होता ही होता है, एक महीने के लिए हमारा दिल्ली पूरा दिल्ली उत्तर भारत गैस चैम्बर बन जाता है, जब तक इसका समाधान नहीं निकालेंगे इस समस्या का, तब तक नहीं हो सकता। दूसरी चीज, जो किसान अपनी फसल जला रहा है, अगर हम ये सोचे कि डंडा चला के उसको रोका जा सकता, नहीं रोक सकते। गांव गांव के अंदर, हर गांव के अंदर हर किसान फसल जला रहा है, कितने लोगों को पकड़ के फाइन करोगे, कितने लोगों को, नहीं हो सकता। इसका इकोनॉमिक, इट्स एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम। उसके लिए बहुत आसान है, अपनी उसको जो स्टबल है उसको बस जला देगा और उसका वो खत्म, उसका वो उसको डिस्पोज करने के लिए कोई पैसा नहीं खर्चना। जब तक वहां की सरकारें इसका इकोनॉमिक वायबल अल्टरनेटिव नहीं निकालेंगी, तब तक ये हर साल हम लोग फेस करेंगे। इसीलिए मैंने दोनों राज्यों के माननीय मुख्यमंत्रियों से मिलने का टाइम मांगा था। मैं ये नहीं कह रहा, मुझे नहीं पता वहां की क्या समस्या है, मुझे नहीं पता कि इसका क्या टेक्निकल समाधान है, इसका क्या इकोनॉमिक समाधान है, मैं नहीं जानता। लेकिन दिल्ली के लोग परेशान है, दिल्ली का मुख्यमंत्री होने के नाते मेरा दायित्व बनता है कि मुझे कहीं भी जाना पड़े इसका समाधान निकालने के लिए, मुझे जाना चाहिए। डिसाइडेड कि 13 से 17 अक्टूबर और इवन सॉरी नवंबर रोल आउट होगा। सिंस टाइम इज वेरी शॉर्ट, वी आर गोइंग हेड विद द सेम एग्जेम्पशंस व्हिच वर लास्ट टाइम, सो दैट देयर इज नो कंफ्यूजन एंड देयर इज नो पैनिक। जो एग्जेम्पशंस लास्ट टाइम थे वही एग्जेम्पशंस हम इस बार फॉलो कर रहे हैं। आईजीएल हर एक डिस्ट्रिक्ट में, वी हैव 11 डिस्ट्रिक्ट्स इन दिल्ली, हर एक डिस्ट्रिक्ट में दो स्टेशन्स पर ये सीएनजी स्टिकर्स अवेलेबल होंगे। वी विल गिव दी जो सीएनजी स्टेशन्स की लिस्ट है ये हम आपको दे दिए जाएंगे। तो टोटल 22 जो पहले लगे हैं वो लागू होंगे। आईजीएल अपनी वेबसाइट पर जो स्टिकर्स दिए जाएंगे उनको तुरंत हर शाम को अपडेट करेंगे। अगर एनफोर्समेंट एजेंसीज को वो स्टिकर की ऑथेंटिसिटी पे कोई डाउट होता है, दे कैन गो ऑन द वेबसाइट एंड चेक फ्रॉम देयर, अदरवाइज ट्रैफिक पुलिस कैन गेट इन टच विद आईजीएल एंड दे कैन वेरीफाई कि ये स्टिकर सही है या गलत है। दिस इज ऑड इवन, दिस टाइम इज पार्ट ऑफ द ग्रेडेड रिस्पॉन्स। प्लीज जो एपका ने जो रिस्पॉन्स ग्रेडेड रिस्पॉन्स दिया है उसमें ये कंडीशन रखा है कि अगर PM 2.5 और PM 10 क्रॉस करता है प्रिस्क्राइब लेवल से और 48 आवर्स हो जाते हैं, देन ऑड इवन शुड बी रोल्ड आउट। जिन रेट्स पे लास्ट टाइम बसों को हायर किया गया था, वी आर रिक्वेस्टिंग एंड डायरेक्टिंग DTC कि उन्हीं रेट्स पर 500 जो बसें हैं वो हायर करें।